हेलो स्टूडेंट्स, लॉस्ट फ्रिंगा पार्ट थ्री बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। कुछ चीजें ऐसी आएंगी इसके अंदर जिसमें जो बड़े वाला प्रश्न बनता है शायद इसी में से बनेगा, क्योंकि इसमें वो मिडल मैन साहूकार वगैरह इस तरह का वर्णन आएगा। आज हम इस लेसन का जो सेकंड कैरेक्टर है मुकेश, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, इट मीन्स आई वॉन्ट टू बी ए ड्राइवर। मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग हिज ओन मास्टर। यहां मुकेश है वो इंसिस्ट ऑन यानी आग्रह करता है, बोलता है, अपने इरादे बताता है कि मैं आई वॉन्ट टू बी माई ओन मास्टर। यहां पर अनीश जंग जो राइटर है वो थोड़ा सा ये आपको ये बताना चाहती है कि इस तरह के कुचक्कर में आप जब फंस जाते हो, सामाजिक बिचौलियों के चक्कर में या शोषण के शिकार हो जाते हो, तो आपको कुछ डेयरिंग होना चाहिए। डेयरिंग का मतलब कुछ डिफरेंट करना चाहिए। यहां मुकेश बोल रहा है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा उससे, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में जानते हो? तो आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, I will learn, कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगा कार चलाना, आता नहीं है। He now answers, looking straight into my eyes, मेरी आंखों में देखते हुए उसने ऐसा कहा। His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fills his town, Firozabad, famous for its bangle making business। तो यानी ये है कि ये फिरोजाबाद क्यों फेमस है? What makes फिरोजाबाद फेमस फॉर? तो इसका आंसर है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, ठीक है, ग्लास बैंगलिंग बिजनेस इंडस्ट्री है उसकी, बहुत बड़ी है। तो हिज ड्रीम, कार चलाने का हिज ड्रीम है वो लूम लाइक ए मिराज। मिराज इज द वर्ड जो आप मृग तृष्णा, जो दिखता है पूरा नहीं होता सपना, उसका धुंधला, लूमिंग लूम्स लाइक मिराज की तरह एक धुंधला स्वप्न है जो उस धूल भरी गंदियों गलियों में, जो फिरोजाबाद की गलियों में, और दैट इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। तो एक प्रश्न यहां बनता है बहुत अच्छा कि व्हाट मेक्स द फिरोजाबाद फेमस फॉर, और फिरोजाबाद फेमस किस बात के लिए है, क्यों है? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद यू विल हैव टू मेंशन इन द आंसर व्हाइल राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन अबाउट दिस। तो आपको ये मेंशन करना चाहिए कि एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, इट्स द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। ये इट इज द सेंटर ऑफ द इंडिया, भारत के मध्य में है ये ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है, जहां कई परिवार पीढ़ियों से सिंस जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों के चारों ओर काम करते रहते हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता है जब पूरी दुनिया की जो औरतें हैं उनकी, अगर आप वहां जाके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया की चूड़ियां यही बनती है, क्योंकि हर घर में, हर दूसरे घर में, गलियों में सारे यही बिजनेस अटा पड़ा है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नोज दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स। नन ऑफ देम, कोई नहीं जानता कि इट इज इलीगल है टू हैव वर्क विद द चिल्ड्रन, बच्चों से काम करवाना इलीगल है। कोई नहीं जानता ये चीज कि बच्चे काम कर रहे हैं गैर कानूनी है। चिल्ड्रन फॉर हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, और वहां पर वो बच्चे काम किस में करते हैं? एक तो टेम्परेचर बहुत हाई है, अरे क्या यार, हाई टेम्परेचर है, और द सेकेंड थिंग यू विल टू मेंशन वो है डिंजी सेल्स। ये देखिए दो चीजें हैं यहां पर, जो बच्चे काम करते हैं हाई टेम्परेचर फर्नेसेस भट्टियां है उसके अंदर काम करते हैं,
दूसरी डिंजी, धुंधली और अंधेरी कोठरियों के अंदर बच्चे काम करते हैं पूरे दिन के लिए। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोग देयर डेलाइट आवर्स, जहां अपने पूरे डेलाइट आवर्स है दिन का जो काम उसमें स्लोग घोर कड़ी तपस्या मेहनत करते हैं वहां पे, एंड ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर साइट। और यहां पर काम करने का रिजल्ट क्या होता है, दे लूज देयर आई साइट, दे गो ब्लाइंड, आखिर में वो अंधे भी हो जाते हैं इसमें ये काम कर रहे। तो आपको वो एक तो इसमें ये बताना कि फिरोजाबाद फेमस क्यों है, गली गलियों में ये चोरियों का काम होता है, छोटे बच्चों से इलीगली ये काम करवाया जाता है, गैर कानूनी है ये काम करवाना, जिसको चाइल्ड लेबर की श्रेणी में आ जाता है, वो भी खतरनाक कामों में आ जाता है। अगर किसी को पता हो कि ये ऐसा है और उन बच्चों को बचाया जा सकता है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखों में चमक आ गई। मुकेश मैडम का जानकार परिचित हो गया था साहिब की तरह, तो मुकेश की आंखों में चमक क्यों आ गई जब मैडम उनके घर जाने के लिए तैयार हो गई। तो कहा आओ मैडम हमारे घर आओ आओ, तो बड़ा खुश हुआ वो कि आओ। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और वो गर्व से कहता है मैडम हमने हमारा घर दोबारा बनाया है। तो कोई सोचता है दोबारा घर बहुत अच्छा बनाया गया, लेकिन वही छपरे वाला घर है घास फूस से उस गंदगी के अंदर। तो उसने कहा मैडम हमने घर हमारा दोबारा बना, मैं घर दिखाता हूँ रीबिल्टेड इट। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉप्ड विद गार्बेज, वी वॉक डाउन हम चल के गए स्टिंकिंग डाउन द चॉप्ड गार्बेज, जो गलियां थी वो कैसी थी, बदबूदार चॉक्ड गार्बेज से, चॉक्ड कचरे से अटी पड़ी थी। पास्ट होम्स That remains hovels of crumbling walls, और घरों से गुजर रहे थे तो hovels the crumbling walls, उस खंडहर टाइप ऐसा लगा जैसे गिरने ही वाले हैं, भर भर आगे गिर जाएंगे अगर उनको आप टच कर दोगे। तो इस तरह के जो घर हैं उनके दीवारों से गुजर रहे थे हम। No windows, कोई खिड़की नहीं थी। Crowded with families of human and animals, coexisting, दोनों एक साथ रहते हैं, कौन कौन, जानवर, कुत्ते, गाय, इस तरह के जो जानवर भी वहीं रहते हैं और ये आदमी वहीं रहते हैं, दोनों coexisting है वहां पर रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे एक प्राइमल स्टेज है। प्रश्न ये बन जाता है यहाँ कि एक्सप्लेन द मुकेश फैमिली लिव एज ए प्राइमल स्टेज, या द प्राइमल स्टेज का एक्सप्लेन करो, तो आपको ये ऊपर वाली दो तीन बातें वहां पर लिखनी है। इस तरह की स्टिंकिंग गली, गंदी गलियां हैं, जानवर और दोनों एक साथ रहते हैं इस तरह से। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ सच हाउस, और इसी तरह के एक टूटे फूटे खंडर घर के सामने वो रुकता है एंड क्या करता है, बैंक से वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर से लात मारता है, एक लोहे का एक जो गेट है उसके लात मारता है, पतरे का उसको लात मार के खोल देता है, एंड इट पुशेज इट ओपन, और उसको खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, एक सैक में हमने प्रवेश किया, दैट इज हाफ बिल्ट। आधा बनी हुई झोपड़ी ही उसमें प्रवेश किया, जो कह रहा था ना हमने नया बनाया, ये झोपड़ी बनाई थी। इन वन पार्ट ऑफ, इसके एक पार्ट में थेस्ट विद डेड ग्रास, सूखे घास से लगाया हुआ था एक तरफ तो, एंड इज ए डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टॉक ओवर विच सिट लार्ज वेजल ऑफ सीजनिंग स्पाइनिश लीव्स, और उधर एक फायरवुड चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा था, उस पर एक बड़ा बर्तन था, उसके अंदर पालक की पत्तियां उबल रही थी जो कहीं इधर उधर उखाड़ के ले आए होंगे। ऑन द ग्राउंड, और भूमि पे, इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, एक बड़ा एल्यूमिनियम का बर्तन था, उसमें देयर वाज मोर चॉप्ड वेजिटेबल, चॉप्ड यानी टुकड़े करके काटना, काट देना, तो चॉप्ड वेजिटेबल यानी कटी हुई सब्जी पड़ी थी। एंड ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द यंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एंड फ्रेल यानी
कमजोर छोटी औरत, अब यंग वुमेन का मतलब उम्र में बहुत कम थी, वहां पर वो शाम का खाना बना रही थी द होल फैमिली के लिए, पूरे परिवार के लिए, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक एंड सी स्माइल्स, और उसकी आंखों से धुआं जा रहा था लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई. सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, साल वर्षों में ज्यादा उम्र में बड़ी नहीं थी. सी हैज बिगिन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन येट अभी भी उसे बहू का सम्मान मिलना प्राप्त हो गया था क्योंकि उसका शायद बाल विवाह हो गया होगा. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मेन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और डॉटर इन लॉ को तीन आदमियों की जिम्मेदारी आई, उनका काम करना पड़ता था, खाने पीने कपड़े वगैरह धोने का जो भी उनका होता था घर पे बनाने का, उसमें मुकेश ब्रदर, मुकेश एंड मुकेश फादर. When the older man enters, जब वो वृद्ध आदमी प्रवेश करता है, she gently withdraws the behind the broken wall and brings her veil closer to him. Veil यानी पर्दा, जगन आप राजस्थानी भाषा में पर्दा प्रथा का ना ओल्लो निकालने होता हो. तो when man enters, she gently withdraws behind, जो ही वो वृद्ध में आता है तो withdraws behind, खिसक जाती है एक दीवार के पीछे, अपने आप को खिसका लेती है, behind the broken wall, टूटी हुई वाल, एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हिज, और अपना पल्लू या जो इसको पर्दा है वो लगा लेते हैं चेहरे, एज कस्टम, क्योंकि यहां की एक कस्टम है. अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि यहां की कस्टम क्या है, डिस्क्राइब अबाउट द डिस्क्राइब इन 20 वर्ड्स अबाउट द कस्टम ऑफ मुकेश फैमिली अबाउट लेडीज. एज ए कस्टम डिमांड्स क्या है कि डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. तो ये थी कि डॉटर इन लॉ है वो क्या करना पड़ता है, मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो मेल एल्डर्स होते हैं उनके सामने पर्दा रखने की उनकी परंपरा थी. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, अच्छा In this case, इस मामले में the elder is an improvised bangle maker, और यहां पर improvised bangle maker है, impoverished है, sorry, poverty से बना शब्द है, यानी बिल्कुल bangle maker है लेकिन बिल्कुल गरीब है. Despite long years of hard labor, despite के बावजूद, लंबे साल के hard labor के बावजूद, अब कई बार क्या होता है कॉम्पिटिशन में डेस्पाइट को इंस्पाइट में बदलवाया जाता है, बड़ी कॉम्पिटिशन में आता है डेस्पाइट एंड इंस्पाइट, यहां पर इसके बाद में ऑफ लगा रहता है, और वो जब एरर फाइंडिंग का जो टॉपिक होता है ना उसके अंदर तो डेस्पाइट के बाद में भी ऑफ लगा देते हैं, डेस्पाइट ऑफ कर देते हैं, और फिर बोलते हैं एरर ढूंढो तो आपको इसको वहां पर काटना होता है, ये नहीं आएगा जी, इंस्पाइट है तो लगाओ, डिस्पाइट है तो मत लगाओ. के बावजूद, तो कड़ी मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उसने दर्जी का काम किया था, देन ए बेंगल मेकर, उसके बाद में एक बेंगल मेकर का काम किया, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, येट फिर भी वो एक घर बनाने में फेल हो गया, और सेंड हिज टू सन्स टू द स्कूल, यानी कितनी कड़ी मेहनत की उसने, बहुत जबरदस्त उसकी आंखें खो गई. यहां एक प्रश्न ये बन सकता है कि डिस्पाइट ऑफ इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए हार्ड वर्कर व्हाट ही कुड नॉट डू इन हिज लाइफ. तो नंबर वन, ही कुड नॉट रिनोवेट हिज हाउस एंड कुड नॉट सेंड हिज सन्स टू द स्कूल, नहीं भेज सका, कुछ नहीं कर पाया, and all he has managed his teeth then all his know the art of bangle making. तो क्या कर पाया, सिर्फ अपने बच्चों को इतनी मेहनत के बाद एक चीज सिखा पाया, चूड़ियां बनाओ, उसी को चक्कर में डाल पाया बेचारा. It is his कर्म, ये उसका कर्म है, his destiny, उसका भाग्य है, says Mukesh's grandmother who has washed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. एक औरत, बुढ़ी औरत बैठी थी, उसने कहा ये कर्म है, भगवान की मर्जी है, भाग्य है, जिसने अपने पति को
बेंगल मेकिंग के काम करते हुए गो ब्लाइंड देखा था, अंधा होते हुए देखा था उसकी बात। कैन ए गॉड गिवन लीनियस एवर बी ब्रोकन, उनके दिमाग में ये बात आ गई है, दे आर नॉट डेयरिंग वे, कहते हैं कि जो भगवान ने लिख दिया ना उसको कोई रोक थोड़ी सकता है, ऐसा उन्होंने मान रखा है। जबकि अगर वो डिफरेंट काम करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, इस चीज से वो बच सकते हैं। सी इंप्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, बेंगल मेकर्स चूड़ियां बनाने वाले की इस कास्ट में पैदा हो गए, हमने कुछ नहीं देखा दुनिया में, क्या हमें पता नहीं, सिर्फ चूड़ियां इसी कुछ चक्कर में फंसे हुए। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, आंगन में, इन द एवरी अदर हाउस, दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, इन द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, स्पाइरल ऑफ बेंगल, स्पाइरल कुंडली, गोल, सन्नी गोल्ड, पेडी ग्रीन, कलर के नाम है रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर ऑफ द सतरंगी चूड़ियां भी, तरह तरह की रंगी चूड़ियां लाइज इन माउंड्स ऑफ अनकैम्प्ड यार्ड्स, उस गंदे से जो यार्ड है उसके अंदर ढेरों में पड़ी रहती है, और पाइल ऑन द फोर व्हील्ड हैंड कार्ट, और हाथ से चलाने वाली जो फोर व्हील चार पहियों की गाड़ी होती है उस पर ढेर लगा रहते हैं, और गलियों गलियों में इधर से उधर ले जाते रहते हैं लोग, यानी जहां पर उनको लोडिंग अनलोडिंग करना होता होगा। एंड इन डार्क हटमेंट, और उस अंधेरी झोपड़पट्टी हटमेंट्स, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैम्प, और उस अंधेरी झोपड़पट्टी में क्या करते हैं कि उस जो रेडी सी होती है चार टायर में, उसके ऊपर पाइस ढेर लगा रहता है, और उसके पास में एक दीपक जला के रखते हैं ताकि उसको प्रकाश में दिख सके, और उसको इधर उधर ले जाते हैं उस गलियों में। Flickering. Say six boys and girls with their fathers and mothers. बैठे माता पिता लड़के लड़कियां welding pieces of color glasses. Welding. उनको जैसे mold करना होता है, welding करना होता है glass के टुकड़ों को और उस circle of bengals को. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. Very important sentence. उनकी आंखें हैं वो ज्यादा adjusted हो गई हैं, ज्यादा adaptable हो गई हैं, हैबिचुअल हो गई है अंधेरे की, प्रकाश में आने से उनकी आंखें टिमटिमाती है। दिस इज व्हाई दे ऑफन एंड अप देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, इसीलिए वो ऑफन अक्सर अपनी जो एडल्ट होने से पहले अपने आई साइट खो देते। सविता यंग गर्ल इन द ड्रेम पिंक ड्रेस, ड्रेम यंग डल, ड्रेम यंग धुंधली, ड्रेम सरिता एक लड़की है जिसकी जो पिंक कलर का जो सूट है वो बिल्कुल ड्रेम है, बुढ़ा वारंग का बेकार सा है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वीमेन, एक औरत है उसके पास बैठी है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग यानी कंधे से कंधा मिलाना यानी जोड़ना, तो पीसेज ऑफ ग्लासेस को सोल्डर कर रही है, जोड़ रही है। एज आर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टॉन्ग्स ऑफ ए मशीन, टॉन्ग्स होता है चिमटा, टॉन्ग्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, लेगिंग्स, टॉन्ग्स, ये हमेशा प्लूरल में आते हैं, एस आता ही है, सीजर्स, आप उनसे टॉन्ग नहीं कह सकते, एक चिमटा हो चाहे ज्यादा चिमटे हो, एक लेगिंग्स हो चाहे ज्यादा लेगिंग, एक ट्राउजर्स हो या ज्यादा ट्राउजर्स हो, आपको उसके साथ एस लगाना ही है। पैंट्स, वेर वेर आर माई पैंट्स, पैंट्स आर ही, अच्छा मैकेनिकली उसके हाथ इस तरह से चलते हैं, मैकेनिकली मशीन की तरह उस चिमटे पे, इसका मतलब काफी दिनों से वो काम ऐसा कर रही है। यहां पर उसका जो छोटी बच्ची है तो उसका जो है जीवन है वो ये काम करने का नहीं, बचपन में जीने का है, लेकिन वो उन्हें उसे नहीं मिला, उस चिमटे में एक्सपर्ट हो गई है वो। आई वॉन्डर इफ सी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल सी हेल्प्स मैक, मुझे आश्चर्य है कि वो जान पाती The sanctity of the Bengals see have sanctity होती है पवित्रता, मुझे आश्चर्य है कि वो इस चूड़ियों की पवित्रता को जानती, लेकिन नहीं जानती है, उसकी बेचारी की उम्र ही नहीं है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग auspiciousness in marriage, ये symbolizes, ये प्रतीक है भारतीय नारियों के सुहाग की
ऑस्पिशियसनेस पवित्रता की, मांगलिकता की, मांगलिकता की शादियों में। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड वेल, हर हैंड्स ड्राइड विद हिना। और एक दिन ऐसा होगा कि उसके भी सर पे एक लाल पर्दा डाल दिया जाएगा और उसके हाथों में चूड़ियां पहना दी जाएंगी। तब यानी कहने का मतलब ये, उस दिन से उसको दुल्हन बना दिया जाएगा, उस दिन से उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो बचपन कहां गया भाई, वो तो गायब है सीधे ही, और वो भी उसमें उसकी कोई अनुमति नहीं होगी। जैसे ही एक दिन घर वालों ने निर्णय किया, उसकी शादी कर दी जाएगी। शादी करके फिर वो ही दैनिक जीवन के चक्कर में फिर फंस जाएगी। तो बचपन कहां गया बेचारे का, पढ़ना खेलना ये कूदना वो समय तो यहां यही बताया जा रहा है। She will then become a bride, उसके बाद वो bride बन जाएगी, like the old woman beside her who became one more many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक दिन उसको भी चूड़ियां पहना दी जाएंगी। बड़ा अच्छा सेंटेंस है देखना, on her wrist, but no light in her eyes. She will become a bride like the other old woman. एक अन्य औरतों की तरह वो भी दुल्हन बन जाएगी, become जैसे उसकी दादी या जो भी ग्रैंड जो भी एल्डरली वुमेन है वो बहुत सालों पहले बनी थी, एंड बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, और एक दिन उसी के हाथों में भी चूड़ियां पहना दी जाएंगी, बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं होगा, यानी जीवन का जो असली खुशी है वो नहीं होगी। ये जो ऑर्नामेंट्स वगैरह इस तरह की चूड़ियां पहना के एक ऐसा नाटक कर लिया जाएगा, लेकिन जीवन का जो वास्तविक जो चमक है वो उनसे काफी दूर है, ये बताया जा रहा है बहुत ही सेंस। एक वक्त शेर वर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। बुढ़िया कहती है, बुढ़ी औरत कहती है, जीवन में कभी भी भरपेट भोजन नहीं खाया हमने। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. देखा कि हमने पूरे इंटायर मैंने होल कंप्लीट जीवन के अंदर कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया। इतनी मेहनत करते हैं, आंखें चली जाती हैं, किसी ने अपना उसके बदले में बचपन दे रखा है, किसी ने अपने जीवन दे रखा है, किसी ने आंखें दे, लेकिन बदले में मिल क्या रहा है, भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, लंबी बियर्ड या दाढ़ी वाला, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ने कहा मुझे तो चूड़ियों के अलावा कुछ पता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर ए फैमिली टू लिव इन। देखिए एक सेंटेंस बड़ा रेडिकुलस है, All I have done, जो कुछ मैं कर पाया, done is make a house for family to live in, बस मेरे परिवार के लिए घर बना पाया। दूसरा आदमी सुनेगा तो यार बहुत कुछ कर लिया तुमने, तो परिवार के लिए घर बना लिया, जबकि वो ऐसा कर नहीं है। Hearing him one wonders, इसे कोई भी सुन के आश्चर्य करता है, if he has achieved what many have failed in their lifetime, ऐसा कर लिया, बहुत सारे लोग तो ऐसा कर ही नहीं पाते जीवन में, तुमने तो बहुत कुछ बड़ा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है उसका घर, वो नहीं है उसका, तो ही हैज ए रूप और इज जस्ट उनके सर पे एक रूप है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया, बल्कि नेक्स्ट कल वाला जो टॉपिक आएगा जिसमें मिडल मैन वगैरह के बाद में जो लास्ट में ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी, इसके उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।